मॉर्निंग क्लास सेकंड, वेलकम इन योर मैथ्स ऑनलाइन क्लासेस। कल की क्लास में हमने हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट आर फोर्थ चैप्टर। द टॉपिक ऑफ आर फोर्थ चैप्टर इज मल्टीप्लिकेशन। सो व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन? वी आर नोइंग बाय गेट गोइंग। फर्स्ट हाउ मैनी ग्रुप्स एंड सेकेंड हाउ मैनी इन ऑल। देयर आर टू ग्रुप्स एंड देयर आर फोर चेरीज इन ईच ग्रुप्स। So how many cherries in all? 8 in all. There are 1, 2, 3. 3 groups. And 1, 2, 3, 4, 5. And 5 balloons in all. So 3, 5, 15. Also there is 1, 2, 3, 4, 5 groups. And 3 leaves in all. हर ग्रुप में 3 लीव्स है। सो 3, 5, 3 = 15। कुछ और यहाँ पर दे रखा है आपकी बुक में कि शैला ने एक बर्थडे पार्टी रखी है और एक गेम ऑर्गेनाइज किया है, और गेम के बाद वो क्या चाहती है, कलरिंग, गेम ऑफ कलरिंग है, और अपने फ्रेंड को देना चाहती है। हर गेम फ्रेंड को वो दो 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 पेंट ब्रश देना चाहती है, 3-3 उनको स्केच पेन देना चाहती है, 4 उनको ग्लू बॉटल्स देना चाहती है, और 5 उनको पेंट ट्यूब्स देना चाहती है। तो उसने 5 अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया है। अगर वो हर फ्रेंड को 2-2 पेंट ब्रश देना चाहती है तो हम 2-2 के 5 ग्रुप बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो 2 और 5 के ग्रुप है 5, तो 2, 5 = 10। बाय काउंटिंग भी कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 3-3 वो पेंट ब्रश देना चाहती है, पेंट ब्रश हो गया, स्केच पेन देना चाहती है। तो हम 5 फ्रेंड है तो 3-3 के हमने 5 ग्रुप बना दिए, 1, 2, 3, 4, 5। तो 3, 5 = 15। ग्लू बॉटल है, वो हर फ्रेंड को अपनी 4 देना चाहती है, तो ग्लू बॉटल के हमने 4 के 5 ग्रुप बना दिए क्योंकि 5 फ्रेंड्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5। और हर ग्रुप में 4 बॉटल है तो 4, 5 = 20। और लास्ट में पेंट ट्यूब्स है, हर फ्रेंड को वो 5 देना चाहती है, तो 5-5 के 5 ग्रुप्स बना दिए हमने, 5-5 = 25। आप इसे रिपीटेड एडिशन भी कह सकते हो, या फिर आप इसे टेबल बोल के उनको टेबल के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। तो इसी तरह से हमारी एक्सरसाइज 1 शुरू होती है। यहाँ भी हम आज की डेट डाल लेते हैं, 17/8/2021। राइट द फॉलोइंग एज मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको 5 जो है वो आपको टेबल फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं हर ग्रुप में, और ग्रुप कितने हैं आपके पास, 1, 2, 3। तो 5 × 3, 5 × 3 = 15। और आप इनको एडिशन के थ्रू भी कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये तो हमारी बुक है, इसलिए हम काउंट करके कर रहे हैं। लेकिन अगर सिर्फ हमें इस तरह से स्टेटमेंट मिलता है तो आपको टेबल बोलना होता है। अगर आपको 3 का टेबल आता है तो आप 5 टाइम बोलकर मल्टीप्लाई कर सकते हो, और 5 का टेबल आता है तो 3 टाइम, दोनों को करने पर आपको सेम नंबर मिलेगा। इसी तरह से 3 sets of 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो 3 sets of 4, 3 × 4 = 12। तो ये एक्सरसाइज 1 आपको अपनी बुक में करनी है और नोटबुक में भी करनी है, और करके जो अपना मल्टीप्लाई वाला वर्क है वो मैम को सेंड बैक करना है। ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है हमारी, सिर्फ यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, 3 में से भी मैम ने 1 आपके लिए सॉल्व कर दिया है। गेट गोइंग को दोबारा से देखना है क्लास पूरी होने के बाद, और फिर से अपने मल्टीप्लाई सेल्फ करने समझ में नहीं आता है तो आप मैम से दोबारा से पूछ सकते हो, और अपना वर्क कंप्लीट करके बुक का, नोटबुक का मैम को सेंड करना है। ओके क्लास, थैंक यू।